इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सीरीज लैंप। अब सीरीज लैंप क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बोर्ड ले लिया है इस तरह से, ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा आपके, और इस तरह से एक स्विच है और ये एक हमारा सॉकेट दो ले लिया है, 2 पिन और एक 3 पिन सॉकेट, ठीक है। इसी के साथ मैंने एक 100 वाट का बल्ब भी ले लिया है और एक वायर भी इस तरह से 5 मीटर या 4 मीटर जिस तरह का आपका लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनने वाली है जिसको हम बोलेंगे सीरीज लैंप, और सीरीज लैंप का उपयोग भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। तो ये देखिए आगे और पीछे से हमारा फिट हो चुका है ये। अब इसको वायर कनेक्शन दोस्तों कुछ इस तरह से हमको इसको फिट कर लेना है, तो उसको मैं पूरा आपको बिल्कुल समझा देता हूँ किस तरह से हुआ है ये। देखिए ये जो हमारा स्विच है इसमें हमारा फेज जाएगा। देखिए स्विच के जरिए हम फेज जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो फेज यहाँ पर आएगा और ये फेज कनेक्शन जो है ये वाले डबल पिन सॉकेट में जाएगा, और इसके जाने के बाद यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो रहा है। देखिए ये सर्किट ब्रेक हो रहा है क्योंकि डबल पिन जो है आपस में शॉर्ट नहीं होता ना, ये अलग 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 होता है, तो यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया। अब ये यहाँ से जो है हम बल्ब को यानी जो सॉकेट है उसको फेज देंगे, ठीक है। फेज यहाँ से ब्रेक है तो मैं इसको फेज मान के चल रहा हूँ, तो इससे फेज देंगे और यहाँ पर जो डायरेक्ट लाइन होगा सप्लाई होगा उससे न्यूट्रल देंगे और यहाँ से फेज देंगे। बस ये 2 पॉइंट बाकी रह गए, यहाँ से स्विच में फेज देना है और बल्ब में न्यूट्रल देना है। तो यहाँ से देखिए फेज जो है ब्रेक होके रहेगा, इसका मतलब जो बल्ब है उसमें कभी भी फेज करंट नहीं होगा। जब स्विच आप ऑन करेंगे और ये सर्किट जब आप कंप्लीट करेंगे तभी इसमें फेज आएगा, और बाकी टाइम पे इसमें सिर्फ न्यूट्रल कनेक्शन ही रहेगा। इस पॉइंट पे जब आप सर्किट कंप्लीट करेंगे तभी इसके अंदर फेज दौड़ेगा। तो ये बहुत ही सेफ तरीका है बनाने का कि आप फेज कनेक्शन को ब्रेक कर दो यहाँ पर। अगर आप इसको न्यूट्रल को ब्रेक करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए फेज को यहाँ से स्विच से ब्रेक करना है और न्यूट्रल को यहाँ डायरेक्ट देना है, ठीक है। बस इतना कनेक्शन करना है फेज और ये न्यूट्रल, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसको मैं डायरेक्ट करूँगा। अब वो कैसे करूँगा ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। ये आप देखिए इस वाले जो सॉकेट को हमने खाली छोड़ दिया था इसको हमने यहाँ से लाइन दे दिया है यानी फेज दे दिया है, और न्यूट्रल जो है हम इसको अलग तरीके से देंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए जो न्यूट्रल हमको देना है तो इसको भी न्यूट्रल देना है और इसको भी न्यूट्रल देना है, तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है कि इस तरह से हम ये इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, कर लिया है। अब इसको लाइटर के जरिए हम इसको पैक कर लेंगे, तो देखिए बिल्कुल ही इंसुलेशन हमारा ये हो चुका है। अब बस इसको यहाँ पर देना है, तो ये देखिए यहाँ से फेज में दे रहा हूँ और यहाँ से न्यूट्रल जो है इसको और इसको दोनों को मिल चुका है, ठीक है, और ये पाइप भी अच्छी तरीके से इंसुलेट हो चुका है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से फेज जो है फेज स्विच के थ्रू जाएगा यहाँ पर, फेज यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद यहाँ से फेज जो है फिर इसको मिलेगा और यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल, देखिए ये न्यूट्रल वायर है, ये डायरेक्ट न्यूट्रल इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये ब्रेक हो गया है, लेकिन ये डायरेक्ट है, ये वाला डायरेक्ट है, ये ब्रेक हो गया है। देखिए ये वाला स्विच से यहाँ पर इसको फेज मिल जाएगा और न्यूट्रल डायरेक्ट इसको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर न्यूट्रल जो इसको मिलेगा इसके थ्रू मिलेगा, इस बल्ब के थ्रू इसको मिलेगा। अगर इस पे हम कोई लोड देंगे, इस सॉकेट पे हम कोई लोड देंगे तभी ये सर्किट कंप्लीट होगा, यानी ये हमारा सीरीज में बन चुका है, और ये डायरेक्ट है और ये सीरीज है, तो इसको हम चला के भी देखेंगे। तो अब इस तरह का प्लग मैंने लगा लिया है और इसको अभी प्लग से कनेक्ट करके इसको चेक करेंगे, ठीक है। देखिए बल्ब नहीं ऑन है, ये देखिए स्विच उल्टा है, ये ऑन है अभी स्विच, तो बल्ब जो है अभी ऑन नहीं है। इसको अगर हम इस प्लग में देखिए कोई शॉर्ट करेंगे तभी
जो है ऑन होगा। देखिए, तो देखिए मेरे पास एक ग्लू गन है, तो इस ग्लू गन को मैं इसमें सीरीज कनेक्शन में चलाऊंगा। ठीक है, ये देखिए बल्ब जो है हमारा ग्लो होने लगा है और थोड़ा धीमा ग्लो हो रहा है क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना हैवी लोड हम देंगे उतना ज़्यादा ये ग्लो करेगा। ठीक है, जितना हैवी लोड देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वो इतना ज़्यादा ग्लो करेगा। तो अब देखिए इस तरह का एक प्लग मैंने लिया है, इस प्लग को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। ये इस स्विच ऑन कर ले रहा हूँ, ऊपर से ऑन होगा, ये उल्टा दे दिया हमने। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, देखिए जैसे ही हम इसको इसमें कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो होने लगेगा। देखिए ये बल्ब ग्लो होने लगा है। अब इस स्विच को ऑफ कर लेंगे। देखिए स्विच को ऑफ करते ही देखिए ये दोनों में करंट नहीं है, इसको मैं टच भी कर सकता हूँ इस तरह से, देखिए करंट नहीं है। ठीक है, और फेज आ रहा है, जैसे स्विच से फेज आ रहा है ना तभी इसमें करंट नहीं है। अगर आपने उल्टा प्लग लगा दिया उधर तो भी गड़बड़ हो सकता है, तो इसको टच करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो है सीरीज लैंप वो बन के रेडी है, और सीरीज लैंप के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही सर्किट कंप्लीट किया, इस 12 वोल्ट SMPS को मैंने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखिए ये बल्ब थोड़ा सा ग्लो होने लगा है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे अगर आप नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।